वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो हमने क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं साइंस का, जो हमने पीछे तक कवर कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, यानी कोई चीज़ बनने के बाद जो हीट रिलीज होती है उनको होते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को याद करने के लिए, जैसे एग्जिट होता है ना, किसी हम बाहर जाते हैं मॉल वगैरह में, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है EXIT, एग्जिट। एग्जिट मतलब कि बाहर निकलना। तो उसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। जैसे यहाँ पर भी है ना EX, यानी एक्सो मतलब बाहर निकलना, यानी हीट जब रिएक्शन होगी तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, तरह फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है CH4, एक गैस है मीथेन और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये है हमारे क्या, रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमारे शरीर से भी हीट रिलीज होती है। आगे देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, टूट जाना, विघटन हो जाना, कई चीज़ों को डिकम्पोज जाना। जैसे यहाँ पर डिकम्पोजन के बारे में लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इन अ टू और मोर सब्सटेंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स। तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जैसे कोई ये सब्सटेंस है, ठीक है, अब ये क्या होता है, टूट जाए, विघटन हो जाए, छोटे छोटे भागों में टूट जाए, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। कम्पोजिशन मतलब होता है इकट्ठा, और डी मतलब उसको टूट जाना, जैसे लाइक और डिसलाइक, ऐसे समझ लो कंपोजिशन इकट्ठा और डिकम्पोजिशन मतलब कि टूट जाना कई भागों में। इसकी तीन तरह के होते हैं डिकम्पोजिशन, कितना तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब कि व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरियड आउट बाय हीटिंग। अब हीटिंग की वजह से कोई चीज़ टूट जाना है, जैसे हीटिंग की आपने देखा मैगी होती है, ऐसे 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 आते हैं ना मैगी। ठीक है, एक एक कब होती है, जब इसको हम ऐसे गर्म, यहाँ पानी है, यहाँ पर हीटिंग चल रही है, इसको डाल दो इसके अंदर, तो एक एक बार एक एक हो जाते सब। तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन टूट गई। ठीक है, कोई भी जटिल चीज़ हो, मतलब कि ठोस चीज़ हो, वो क्या हीटिंग की वजह से टूट जाती है। जैसे बर्फ़ है, ठोस है, इसको हीट करेंगे तो ये पिघल जाएगी, तो पानी की ऐसे बन जाएगी, तो ये क्या थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे चलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे वैन थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, वैन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द कैरियड बाय हीट, हीट की जरूरत होती है। जैसे फेरस सल्फेट दे रखा है 2FeSO4, इसको हीट दी तो ये किसके अंदर टूट गया, ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में टूट गया। जैसे ग्रीन कलर का वो रेडिश ब्राउन कलर में हो गया। ओके, यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल गया, ये तीनों चीज़ हो गई। जैसे लेड नाइट्राइड वाइट कलर का होता है, इसको भी हीट करा तो लेड ऑक्साइड ये ब्राउन कलर में निकला, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला और एक ऑक्सीजन निकला, ये तीनों चीज़ निकल गई, यानी हीटिंग की वजह से ये हुई। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट से हम कैसे डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, नहीं करंट देकर उसको कैसे अलग कर सकते हैं। वेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ कैरियड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देकर हम उसको कैसे अलग कर सकते। जैसे कि पानी को हम करंट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक गैस में टूटेगा और एक ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाली रॉड है, ये हाइड्रोजन वाली रॉड है, ये प्लास्टिक मग है एक जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कैथोड रे, कैथोड होती है पॉजिटिव, एनोड होती है नेगेटिव, और यहाँ पे स्विच दे रखा है, और 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है इस तरीके से। तब इसके अंदर पानी डालें तो वो टूट जाएगा, कैसे, वाटर का, और वाटर को डालेंगे तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन इस साइड चले जाएंगे, हाइड्रोजन उस साइड चले जाएगा। ओके, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजन क्या होता है, वेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होना, ये चीज़ें सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे 2AgCl, ठीक है, सिल्वर वाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड, ये Ag में टूट जाता है, यानी ग्रे कलर और क्लोरीन में, ये तो सिल्वर ब्रोमाइड। फिर आता है सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी हीट की प्रेजेंस में होगा, 2AgBr, उसको लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा, Ag अलग टूट जाएगा, 2Ag और 2Br एंड ब्रोमाइड अलग निकल जाएगा। ठीक है, द अबव टू रिएक्शन आर यूज टू
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जब फोटोग्राफ खींचते हैं तो उसमें ये काम आते हैं, जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। आगे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने क्या चीज़ पढ़ी, पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तीन तरह की। पहला होता है थर्मल, यानी हीटिंग वाली थर्मल, ठीक है। दूसरी आती है कौन सी आती, दूसरी इलेक्ट्रिक वाली, करंट देखो उन चीज़ों, इलेक्ट्रिक। और तीसरी आती है फोटो, फोटो यानी कि टी ई पी, यानी थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटो। इन तीन तरीके से हम उनको अलग करते हैं डिकम्पोजिशन। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक पता नहीं क्या, सॉरी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है। आगे पढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। जैसे कि ये कोई चीज़ है, इसको क्या है हीट की ज़रूरत है, तो हीट निकलेगी नहीं, हीट इसके अंदर ही रहेगी, बाहर बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एक 2BaOH का होल स्क्वायर और NH4Cl, 2BaCl का स्क्वायर और NH4OH। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अभी समझा दो। जैसे B यहाँ पर था इसके साथ, और कोई कलर ले लूँ, इस कलर से समझा दो। ऐसे B किसके साथ था, यहाँ पर OH के साथ, तो ये इसने क्या करा, अब ये B Cl के साथ कनेक्ट हो गया, यानी यहाँ कनेक्ट हो गया, तो ये चीज़ बन गई। और यहाँ पर क्या था OH, OH यहाँ पर B के साथ था, ये हो गया NH के साथ ये कनेक्ट, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ बन गई। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच द एलिमेंट डिस्प्लेस अनादर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, उसको होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि आयरन यहाँ पे कॉपर सल्फेट के जगह आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आयरन सल्फेट, यानी CU को हटा दिया, CU को हटा दिया यहाँ से। जैसे कि ये दिख रही होगी आपको, ये स्टैंड है, ये पूरा एक स्टैंड आता है, ये परख नली सी है, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, ये धागा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और आयरन गैस में मतलब कीले हैं यहाँ पर, आयरन की लोहे की कील होती हैं वो। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखे, द नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, यानी ब्लू कलर का जो कॉपर का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो गया, फेड हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा एक तरह से। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट को रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। एक और रिएक्शन है यहाँ पे लेड, लेड कॉपर क्लोराइड है, और ये लेड किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, लेड क्लोराइड, और यहाँ पर कॉपर अलग निकल जाएगा CU। इस तरह जिंक और लेड, जिंक और लेड आर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो जिंक और क्या है लेड PB सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, ये है कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव। द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड, और कंपाउंड अंदर उसके अंदर से कॉपर को वहाँ से हटा देता है, ये खुद आके बैठ जाते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तक आप देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ओके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी Na2 यानी सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये बन जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी कि N ये वाला था ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, और SO ये यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द अबव रिएक्शन, ऊपर वाले जब रिएक्शन हुई तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकला, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड टू प्रेसिपिटेट। ऐसे कि ये रिएक्शन हुई, उसके नीचे एक सफेद सफेद सा यहाँ जम गया, ठीक है, जो जम जाएगा उसको होते हैं वाइट सब्सटेंस, इसको होते हैं प्रेसिपिटेट। ओके प्रेसिपिटेट रिएक्शन इन एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन हो जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर प्रेसिपिटेट निकलता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे यहाँ पर देखते हैं लेड वाला, लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड, KI पोटेशियम आयोडाइड,
पीबी यानी लेड आयोडाइड और यहाँ पे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा, ये रिएक्शन रख के पूरी पूरी पीबी को किसके साथ रिप्लेस करा, पीबी ने यहाँ पर के को रिप्लेस कर दिया और एनओ केएनओ के साथ जुड़ गया। ओके, जब ऑक्सीडेशन के बारे में बता रखा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी H2O है। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसने क्या करा, ऑक्सीडेशन गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ले लेगा और हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यहाँ से कॉपर और ऑक्सीजन ये हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या करा, गेन कर लिया ऑक्सीजन को, CuO बन गया। और यहाँ पर इसने क्या करा, अब इसको दोबारा से करवाया तो ये क्या हो गया, लूज ऑफ हाइड्रोजन। वैन द कॉपर इज हीटेड द ब्लैक कलर अपीयर, जब हीट करें ब्लैक कलर देता है। इफ़ द कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस इज अगेन कॉपर बिकम ब्राउन इन रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। अब वापसी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वापसी ये बन जाएगा दोबारा से। तो यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे की चीज़ें। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, आगे रिडक्शन से पढ़ेंगे, रिडक्शन क्या होता है। वैसे रिडक्शन के बारे में बस एक लाइन याद रख लो, रिडक्शन लूज ऑफ ऑक्सीजन अगेन इन हाइड्रोजन। एंड थैंक यू दोस्तों।